नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। आप सभी का स्वागत है एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। लेकिन आप कहेंगे कोरोना तो हमें पता है, क्योंकि हर न्यूज़ में कोरोना का नाम आता है, हर व्हाट्सएप में दूसरा मैसेज कोरोना का होता है। लेकिन इस न्यूज़ और इस व्हाट्सएप के कारण कोरोना इतना, मतलब कि लोगों के दिमाग में भयंकर घुस चुका है, इतने पैनिक हो चुके हैं लोग कि कोरोना का नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं। तो इस परेशानी को मैं थोड़ा आपके साथ बांटना चाहता हूं, आपके पैनिकपन को दूर करने की कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा कि कोरोना क्या चीज़ है, ताकि आप कोरोना के साथ जी सकें, कोरोना से फाइट कर सकें। दोस्तों, मैं प्रोफेशनली एक फार्मासिस्ट हूं और 23 साल से मैं मेडिसिन का काम कर रहा हूं। आजकल काफ़ी केस आ रहे हैं गले खराब, सर्दी जुकाम के। तो ये एक नॉर्मली वायरस है, कोरोना भी एक वायरस है। कोरोना वायरस एक डेडली वायरस इसलिए बन जाता है क्योंकि ये जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उन पे ज़्यादा अटैक करता है। नहीं तो अभी जो इंडिया का सिचुएशन है, 100 जो कोरोना के बीमार है उनमें से 97 लोग बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। जो 100 में से 3% जो कैजुअलिटी हो रही है उनकी इम्यूनिटी पुअर हो चुकी है, या वो ओल्ड एज हो चुके हैं, या उनको डायबिटीज के कारण उनमें कोई बीमारियां हैं, या कैंसर है, इस तरह के लोग ज़्यादा, इन लोगों की ज़्यादा कैजुअलिटी हो रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, अपने इम्यून सिस्टम को आप मजबूत करें। आप सिट्रस फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, जैसे कि नींबू आप डेली पी सकते हैं, और मौसमी आ गई है मौसमी खाइए, इसके अलावा आंवला खाइए, बहुत ही विटामिन सी से भरपूर है ये। ग्लोए की बेल का आप जूस पीजिए, ग्लोए का, और इसके अलावा आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल हल्दी के एंटीसेप्टिक है, बहुत ज़बरदस्त, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, तो दूध में हल्दी ले सकते हैं आप। और इसके अलावा तुलसी आप यूज़ कीजिए, तुलसी के 5 पत्ते आप डेली चबा चबा के खाइए। आप सुबह उठते ही खाली पेट लहसुन खाइए, वो भी काफ़ी आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। दोस्तों, जितना भी सीजनल फ्रूट है वो खाइए, जितनी भी वेजिटेबल आ रही हैं आजकल वो खाइए, और आप अपने अनाज की क्वांटिटी को कम कर दीजिए, इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और एक्सरसाइज कीजिए, खूब एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपकी बॉडी स्ट्रांग बने। तो आपको मैं अभी एक क्लिप सुनाने जा रहा हूँ कन्वर्सेशन डॉक्टर की, इससे पता चलेगा कि कोरोना की क्या सिचुएशन है अभी इंडिया में करंटली। तो अब हम सुनते हैं वो क्लिप, और दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी कोरोना से फाइट करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो अब हम देखते हैं वो कन्वर्सेशन। हेलो अंकल, नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ आशीष अंकल, कल आओगे? नहीं यार, मैं तो 7 बजे तक, सुबह 10 से 7 बजे तक कम से कम 200 पेशेंट देखे हैं। 5 दिन 6 दिन इतना एग्जॉस्ट हो चुका हूं ना, मैं संडे को क्लोज कर दिया यार, हिम्मत नहीं। रोज 20-30 पॉजिटिव पेशेंट देख रहा हूँ कोरोना के, इतना कोरोना आ रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है। मेरे तो फर्स्ट फ्लोर वाले को है। नहीं, लेकिन सब ठीक हो रहे, किसी को भर्ती की जरूरत नहीं है। मैं तो अब तक 75 ठीक किए हैं बिना भर्ती के, होम क्वारंटाइन और दवाई देके। ये सिर्फ मीडिया ने हवा बना रखा है, कुछ नहीं है कोरोना। तो मैं बता दूं, मैं कोरोना से पता किसके लिए दिक्कत है, सिर्फ उनके लिए जिनकी 65+ है, जिनको आते हैं तुम्हारी मम्मी है, जिनको लंग्स वीक है, बस, और किसी, उनको बच के रहना है बस। तो मैं, मुझे हो जाए, हमें कुछ नहीं करना, अपने आप ठीक हो जाएगा, बस टेबलेट खानी है अगर हो गया तो। अंकल, जिसके जिसकी सांस की नली में वो कहते हैं वो बन जाती है पर्थ, तो उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है बाहर के देशों में, तो यही दिखाया है जिनकी सांस की नली में नहीं, गलत समझ रहे हो। देखो सुनो मेरी बात, मैं तो यार डेली कॉन्फ्रेंस वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ, एक एक दो दो घंटे की डेली, इसकी नॉलेज बढ़ती रहे। कुछ नहीं है, जिनको ना एलर्जी की दिक्कत रहती है ना, एलर्जिक राइनाइटिस बीमारी होती है, वो तुम्हें नहीं है, साइनोसाइटिस पुरानी। उनको क्या होता है, नाक से लेके और लंग्स तक ना अभी नहीं शुरू से मारी है, हमेशा एलर्जी रहती है। तो उनको ना वायरस चिपकता रहता है और एक परत बना देता है अंदर तक, फिर वो परत से सांस की कैविटी में, लेकिन वो लाखों में किसी एक को होता है, उसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। वो तुम्हारे घर में किसी को नहीं, मुझे पता है, मैं तुम्हें हमेशा देख रहा हूँ। अच्छा, समझ गए। ऐसे नहीं परत बनती, जिनको ऑलरेडी ये इस तरह की एलर्जी राइनाइटिस की बीमारी है ऑलरेडी, सिर्फ उनको हो रही। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो व्हाट्सएप पे और न्यूज में आ रहा है, इनएडिक्वेट नॉलेज दे रहे हैं, कंप्लीट कोई नहीं दे रहा है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, और तो परसों से सारा कुछ कंप्लीट लॉकडाउन खोल ही रही है गवर्नमेंट, कह रही है। अरे यार, पता है क्यों खोल दिया है, रीजन है इसका। देखो, कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, ठीक है ना, इसको सिर्फ आपने अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रखोगे ना, कब तक लॉकडाउन करेंगे, इम्यूनिटी मेंटेन रखना है। और ये अब जो कोरोना अब आ गया ना, अब चल रहा है जो, ये बहुत लो लेवल का है। अच्छा, जो बड़े लेवल का था वो खत्म हो चुका है, खत्म हो गया, मतलब उसकी जो कहते हैं ना घातकता,
मरने की शक्ति कमजोर हो गई है, मतलब वायरस कमजोर पड़ गया है बहुत बहुत सारा है, लेकिन वायरस की ना पावर कम हो गई है, तो लोग मरने के तो बहुत ही कम केस हो रहे हैं। अब क्या चक्कर है, जैसे कोई लोग हार्ट अटैक मर गया, कोई अस्थमा से मर गया, खबर ये फैली जाती है माहौल में, हाय जी कोरोना से मर गया, असलियत किसी को नहीं पता। अब जब कोरोना नहीं था तब भी जो परसेंटेज थी मरने की दिल्ली में और इंडिया में, लाख रोज के हिसाब से लाख लोग मरते थे, अब वो लाख भी मर रहे हैं तो कोरोना, समझे मेरी बात। तो ये सब ना हौच पोच हो रहा है। अभी मैं अभी तुम्हारा फोन भी वो तुम कर रहे थे, मैं कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, आजकल मिल तो सकते नहीं है, हम डिस्कस कर रहे थे सारे, कम से कम 50 डॉक्टर थे दिल्ली के, तो वही डिस्कस है। लोगों में ना गलत फहमी हो रही है, मीडिया फैला रहा है ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं है। आपने रात को हल्दी डाल के दूध पीना है, ये अमेरिका भी कह रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ानी है, दिन में 3 से 4 बार तुलसी का पत्ते मुंह में रखने हैं, ठीक है, आंवला खाओ या आंवले का मुरब्बा खाओ, विटामिन सी कहते हैं, नींबू पानी दिन में 5-7 बार पियो, तुम्हारे अंदर विटामिन सी चला गया, तुम्हारी इम्यूनिटी बन गई, कोरोना के कोरोना का बाप भी तुम्हारे पास आएगा ना। एक बार बता, मैं डेली 150 पेशेंट देखता हूँ, सबसे अधिक तो मेरे को है, सोचो मेरे को सबसे रिस्क है। हाँ, वो तो मुझे है। पता है ना कैसे करना है, मैं 2 घंटे वॉक करता हूँ डेली, मैं वहां से आता हूँ, अब मैं 6 से लेकर 8 बजे तक वॉक करता हूँ, अच्छी वॉक करता हूँ, फिर खाना खाया मैंने, अब मैं दोबारा वॉक कर रहा हूँ। हाँ, वो तो पता है, वॉक करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जो मैं तुम्हें बताया वो खाते रहो, मैं कहा कोरोना मेरे पास आ भी जाएगा ना तो मेरी एंटीबॉडी मार के भगा देंगे इसको। जो जो आप बता रहे हो, जो नीम का पत्ता जो बता रहे हो, नीम का पत्ता बता रहे हो किसका? नहीं नहीं पत्ता का पता है, तुलसी। तुलसी बहुत सारे, तुलसी तो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी होती है इसमें, तो ये इसे चबाना नहीं है, मुंह में चबाना तो है, चबाना। अच्छा, अगर तुम उसको नहीं चबा सकते तुलसी अर्क आते हैं, तुलसी अर्क वगैरह आता है रामदेव वगैरह का, वो आप लो और उसके 5-6 बूंद आप अपना पानी में या दूध में डाल के दे लो, बच्चों को पिलाओ, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ओके ओके, देखो कोरोना किसी को नहीं छोड़ेगा, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है कोरोना किसी को कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, इस टाइम तुम रोड पे से 100 लोगों को उठाओगे ना, जो खांसी जुकाम नहीं है, उसमें 80 को कोरोना मिलेगा, उनको पता भी नहीं है, वो आ भी गया और ठीक भी हो गया तुम्हें पता ही लगेगा, क्योंकि खांसी नहीं, टेस्ट नहीं करा रहे, शायद मुझे भी हो शायद तुम्हें हो, अभी किसी को नहीं पता। आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखो, 5 दिन बाद अपने आप ही गायब हो जाता है, तो ये समझ लो, तुम डरो मत बिल्कुल भी, इम्यूनिटी अच्छी रखो बस, अपन है ना, पानी खूब पियो, नींबू पानी बनानी, मैं बार बार बना बना के दे, नींबू पानी, चिल्ड पानी कम से कम पियो, नॉर्मल टेम्परेचर पानी पियो, या थोड़ा सा मिक्स कर लो बस, चिल्ड नहीं पीना पानी, ठीक है, इस तरह का रखना है। ड्रिंक तो हफ्ते में दो, एक दो, एक दिन ही करती मैं तो। हाँ, एक तो एक, देखो हफ्ते में एक बार डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिमिट में करोगे, लेकिन डेली करोगे तो उसकी उससे क्या होगा, कोरोना नहीं बढ़ेगा लेकिन आपकी ना इम्यूनिटी कम हो जाएगी बॉडी। हाँ, वो इम्यूनिटी के चलते इम्यूनिटी रखनी है, मेंटेन, यार ये समझ आ गया मुझे कोरोना से इम्यूनिटी रखनी है। अब मेरे ग्रुप के 90% डॉक्टर डर के बारे बंद बैठे हैं, मैं डेली देख रहा हूँ और सबसे ज्यादा ही देख रहा हूँ शायद दिल्ली में, मेरे साथ कोई पेशेंट नहीं देख रहा होगा, मैं अपनी बड़ी बात नहीं कह रहा, सारे डॉक्टर कह रहे तू इतने देखता है, क्योंकि मुझे फंडा समझ आ गया यार, कुछ नहीं होगा ऐसी, फंडा समझ आ गया, सबसे बड़ी बात है ना, अब इंटेलिजेंट भी तो नहीं, इंटेलिजेंट बात नहीं है, चीजों को समझ, देखो एक बात बता, पकड़ वो, हाँ, मुझे पता है, अगर बैठ जाएंगे, देखो भगवान कसम मैं इसलिए नहीं बैठा, मुझे कमाना है फ्रेंकली, मैं कम से कम 30 पेशेंट फ्री देख रहा हूँ, तो पता है मेरे भी कैसे एरिया यार, अगर हम इस टाइम डर के बैठ जाएंगे तो कोरोना के अलावा जो सारी बीमारियां हैं, मरीज जो आ रहे हैं उनका होगा क्या? मेरे पास 20 साल से मरीज आ रहे हैं, हम उनको ट्रस्ट है बेचारों के, मेरे अलावा कहीं नहीं जाते, मैं आराम से सो जाऊं घर पे, भगवान ने बहुत पैसे दिया, नहीं भी करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमारी ड्यूटी बनती है, मोरल ड्यूटी बनती है, इस पे हमें धोखा नहीं देना चाहिए मरीज। मैं सबसे डॉक्टर फ्रेंड्स को बता रहा हूँ, मैं कहा यार चल क्या तुम कैसे भी जाओ, पेशेंट तो देखो अपने, वो किस पे डिपेंड होंगे, सरकारी वाले धक्के मार के भगा रहे हैं, मरीज जाए तो जाए कहाँ, इस चक्कर में रानीबाग प्रीतम को पता है हॉस्पिटल खुला हुआ, वहां देख लेते हैं, एक मन को तसल्ली भी होती है यार। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोरोना के अब कोई डरे नहीं बिल्कुल भी, अरे नहीं डरना यार, पता नहीं क्यों लोग डरे हुए हैं, ठीक बिल्कुल मत डरो, नहीं अब वही करूंगा, हल्दी वाला दूध पियेंगे बस, और इम्यूनिटी बढ़ाओ, मैं एक ही फंडा है, इम्यूनिटी बढ़ाओ, कहता ना आपकी आपकी सुरक्षा आपके हाथ में भैया, वॉक किया कर आशीष, बता रहा मैं, चलो वॉक करनी चालू कर दूंगा, बहुत जरूरी है यार, मैं तो इसलिए नहीं कर रहा, गली गली से बाहर निकलो, हर जगह पोस्टर लगा हुआ है कोरोना पॉजिटिव, लोगों में है, कोरोना हवा में नहीं है भाई, हवा में थोड़ी है, इट इज नॉट एन एयरबोर्न इन्फेक्शन, जब कोरोना का मरीज आपके ऊपर खांसे खाने और आंख में मास्क नहीं बैठा, जब तक फूक के ड्रॉपलेट आपके अंदर नहीं जाएंगे कोरोना नहीं होता, ये समझ लो सब लोग, नहीं समझ पा रहे लोग, नहीं होता कोरोना ऐसे। अब इम्यूनिटी में तो नहीं है ना, जैसे ये कहते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा था, ह्यूमन टू ह्यूमन भी नहीं, तभी भी नहीं हुआ, ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे हुआ था, मेरी बात समझो, सपोज मुझे कोरोना है, ठीक है जी,
मैंने खांस दिया, आपने मास्क आपके पास पहुंच गया पहला। दूसरा सपोज मुझे कोरोना है, मैंने खांसी की, मेरे हाथ पे वो कीटाणु चिपके रह गए 7 घंटे तक, वो हाथ मैंने आपसे मिलाया, वो हाथ थोड़ी देर बाद आपने अपने मुंह पे रख लिया या नाक पे, ऐसे जाता है चिपकने से। अगर आप तब क्यों कहते हैं बार बार हाथ धोने का, अगर बाय चांस आपने कोरोना वायरस से हाथ मिला भी लिया और आपने हाथ धो रखे हैं तो आपका नाक पे दो तीन रूट है बस, मुंह नाक और आंख। अगर वो हाथ बार बार धोते रहे तो कोरोना कैसे जाएगा आपके अंदर, हवा में नहीं है, समझो यार हवा में नहीं है, टच करके भी, टच अगर आप हाथ वो नाक पे रखोगे मुंह तब एंटर करेगा। ओके ओके, समझ गए। ये फंडा नहीं पता लोगों को, डॉक्टर को भी नहीं पता था, पागल बना रहे बिल्कुल। टच से कुछ नहीं होता, तुम गले भी लग जाओ कुछ नहीं होगा, जब अगर आपने किसी कोरोना को टच कर लिया। इसलिए कहते हैं किसी भी अननोन बंदे से आप मिलो ना, आप सैनिटाइजर यूज करो तुरंत, कला कोरोना पे तो भी नहीं आएगा। ये बात समझ गए ना, मैं समझ गया। और कुछ नहीं करना, तुम बाहर वॉक करो, पार्क भी खुल गए अब तो, पार्क में जाओ वॉक करो भाई, इस टाइम वॉक इतना जरूरी है। जिस आदमी ने वॉक करी ना, समझ लो उसकी इम्यूनिटी 5 times बढ़ जाती है, इम्यूनिटी। Okay. इम्यूनिटी बढ़ गई तो कोरोना वो ना आता रहे साला, खुले आम घूमो कुछ नहीं होता। सही सही, तो हम भी तो मिसगाइड ही हो रहे हैं ना, जो ये मिसगाइड हो रहे हैं लोग, मीडिया ना बरगला रही है। जैसे आपकी बात हुई है मेरे से, अब मेरे अंदर वो पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप आ जाएगी भाई, मेरे को टाइम इसी लग रहा है, मैं अपने पेशेंट को भी दवाई से ज्यादा काउंसलिंग कर रहा हूँ, जो लोग नहीं करते। फालतू में सबको काउंसलिंग कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस, हम लोग अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे ना सोसाइटी में तो लोग और डरे रहेंगे। मेरे मैक्सिमम पेशेंट बात करके इतने खुश, डॉक्टर साहब आज हम तसल्ली हो गई कोरोना के बाद भी, मैं अवेयरनेस समझा रहा हूँ। मैं कहा तुम भी 10 लोगों को बताओ, मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ आशीष, और 10 लोगों को बताओ, ताकि हमारी सोसाइटी, यार हमारा, हमारी सोसाइटी में एक जो फेक न्यूज फैल रही है ना, छूने से जी और ह्यूमन टू ह्यूमन, दिस इज ऑल रॉन्ग, सब गलत। हम एक महीने से रेगुलर खेल रहे हैं क्योंकि हमें पता है यार, पूरे दिन धूप से पार्क सारा सैनिटाइज हो गया, वो बंद रहता है, हमें पता है। हम कर, मैं फंडे में समझाता हूँ, इसी साहब कहते हैं यार डॉक्टर साहब एक बात बताओ, यहाँ कोरोना आ जाएगा। मैं कहा कोई आदमी आया रात को, मैं कहा नहीं, मैं कहा शाम तक धूप कितनी थी कि बहुत तेज, मैं कहा धूप से बढ़िया सैनिटाइजर को है नहीं, मैं पूरी जमीन को सैनिटाइज कर दिया। ओके जरा बात तो सही है यार, मैं कहा फिर सोचो ना, और यहाँ कोई आता नहीं है, हम ही खोलते हैं रात को, जो दोस्त है मालिक, उसका मालिक वो खोलता है, हम सब आते हैं खेल के चले जाते हैं, अब सब डेली आते हैं हम खेलने और खूब इंजॉय करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ रही है, गप्पे भी जाती है और डर खत्म हो जाता है। तो आप डर निकालो, लोगों जो जो मिले उनको ये सब बातें बताओ भी सोसाइटी की हेल्प के लिए। ओके ठीक है अंकल, ठीक है चलो, टेक केयर भाई, थैंक यू अंकल। तो दोस्तों आपने देखा इस कन्वर्सेशन से आपको कुछ तो नॉलेज मिली होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं। जो भी कोरोना से बचने के उपाय गवर्नमेंट ने दिए हैं हमें पता है, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, हैंड वॉश बिल्कुल करना नहीं छोड़ना, सैनिटाइजिंग करते रहना है, जब भी आप घर से बाहर निकलो फेस मास्क लगा के निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। इसी की वजह से हम कोरोना को मात दे सकते हैं। ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद था, आपके दिमाग से पैनिक, डर को कम करना है कोरोना के। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आपको कोरोना को प्रिवेंट करना है, ये नहीं कि कोरोना हो जाए तो उसका इलाज करें, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, और कोई भी नया मेरा व्यूअर्स है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों अंत में स्टे होम स्टे सेफ, वंदे मातरम, जय हिंद।